जय हिंद, मैं राकेश सौ पेशी अकेडमी से। आज हम एप्टीट्यूड के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, मिश्रण, एलिगेशन या मिक्सचर। ध्यान दीजिएगा, एप्टीट्यूड के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक मिश्रण, एलिगेशन और मिक्सचर। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले हम टाइप वन से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मान लीजिए किसी वस्तु के एक इकाई का क्रय मूल्य हमें पता है, एक इकाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य, एक इकाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य और एक इकाई दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ये हमें पता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य, हमें एक इकाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य लेना है और एक इकाई दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य लेना है। जैसे मान लीजिए वस्तु है चावल, तो यहां पर मान लीजिए पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, यहां पर चावल है। मान लीजिए पहला जो चावल है वो 15 रुपए प्रति किलोग्राम है और जो दूसरा चावल है वह 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब इन दोनों चावल की एक एक किलो मात्रा को मिलाकर एक मिक्सचर बनाया गया चावल का, तो उसकी एक नई कीमत होगी। तो यहां पर औसत अर्थात मिश्रण का औसत क्रय मूल्य, इसे हम मान लेते हैं जेड। एक इकाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य, इसे हम मान लेते हैं एक्स। एक इकाई दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, इसे हम मान लेते हैं वाई। अब समझिएगा, यहां पर हम जेड में से माइनस करेंगे वाई को, तो ये हो जाएगा जेड माइनस वाई। जेड में से हम माइनस करेंगे एक्स को, तो ये हो जाएगा जेड माइनस वाई और यहां आया जेड माइनस एक्स। यहां पर ये जो वैल्यू आई और ये जो वैल्यू आई, इसका हम अनुपात निकालेंगे Z - Y / Z - X। देखिएगा, यहां पर एक इकाई दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ऊपर है और एक इकाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य नीचे है, तो यह जो अनुपात आएगा यह होगा पहली वस्तु की मात्रा डिवाइडेड बाई दूसरी वस्तु की मात्रा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें से हमने जेड माइनस से वाई को माइनस किया है, जैसे समझिएगा यहां पर एक इकाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य, मान लीजिए पहली वस्तु में हमने चावल लिया है, पहला चावल है 15 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल है, एक इकाई हमने चावल लिया है, एक इकाई चावल का क्रय मूल्य है 15 रुपए। एक इकाई चावल का क्रय मूल्य है 15 रुपए, तो 15 रुपए प्रति किलोग्राम। और दूसरा चावल लिया है 20 रुपए प्रति किलोग्राम का, तो यहां पर एक इकाई
चावल का क्रय मूल्य है 20 रुपए, मान लीजिए इनको एक एक किलो मिलाया गया, औसत क्रय मूल्य लाना है 18 रुपए, जो नया चावल बनेगा इन दोनों को मिलाने के बाद। यहां पर 15 रुपए किलोग्राम का एक किलो चावल लिया गया, 20 रुपए प्रति किलोग्राम का एक किलो चावल लिया गया। अब इन दोनों को मिलाकर एक नया चावल बनेगा, उसकी कीमत हम निर्धारित कर रहे हैं 18 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यहां पर देखिएगा, जब इन दोनों का मिक्सर किया जाएगा, एलिगेशन या मिश्रण किया जाएगा, तो जो तीसरी या मिक्सर बनेगा, चावल का मिक्सर बनेगा, उसकी कीमत पहले वाले से ज्यादा है, दूसरे वाले से कम है। मतलब इन दोनों के बीच का रेट आएगा, कुछ ना कुछ हम इन दोनों के बीच का रेट होगा। अर्थात यहां पर अगर 20 18 से बड़ा है तो डेफिनेटली 15 18 से छोटा होगा। तो यहां पर हम माइनस करेंगे y माइनस z, जबकि हमने फॉर्मूला में लिखा है z माइनस y। इसी कारण यहां चूंकि इनका आंसर आएगा निगेटिव में, तो निगेटिव को हटाने के लिए हम यहां पर मोड लगा देंगे। इसको हम मोड कहते हैं। मोड का अर्थ होता है यदि माइनस में आंसर आ रहा है तो ऑटोमेटिकली ये से प्लस में कर देगा। यदि आपको पहले से पता है कि y बड़ा है, z छोटा है, तो आप यहां लिख सकते हैं y माइनस z, y माइनस z। हां, हालांकि z जो है वो x से बड़ा है, तो इसका तो आंसर प्लस ही आएगा, इसका आंसर माइनस आएगा, इसीलिए इसका आंसर माइनस में आए करके हमने मोड लगा दिया है। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए वाइस वर्सा, यहां पर इसको देखते हैं, तो यहां पर फॉर्मूला है एक इकाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य, एक इकाई दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। मान लीजिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 15 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है 20 रुपए प्रति किलोग्राम। अब इन दोनों को मिलाया गया, तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि औसत क्रय मूल्य 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे बराबर, ध्यान दीजिएगा, पहले वस्तु की मात्रा बटा दूसरी वस्तु की मात्रा, इनका अनुपात बराबर। यहां पर हम जेड माइनस वाई कर रहे हैं, यहां पर जेड माइनस वाई 18 में से 20, 18 माइनस 20 बटा यहां पर आएगा जेड माइनस 15, अर्थात 18 माइनस 15। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 में से 20 जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 2 बटा 18 में से 15 जाएगा, यह आ जाएगा 3। देखिएगा यहां पर माइनस आया है तो मोड के कारण माइनस हट जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 2:3। मान लीजिए इसी में दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यह होता 18 रुपए प्रति किलोग्राम, और यह हो, मान लीजिए यह होता 20 रुपए प्रति किलोग्राम, और यह होता 15 रुपए प्रति किलोग्राम, और यहां पर मिक्सर का क्रय मूल्य लाना है 18 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यहां पर 20 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 15 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल से मिलाया जा रहा है, जो मिक्सर आ रहा है उसका क्रय मूल्य रखना है 18 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इसी में यह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहली वस्तु की मात्रा बटा दूसरी वस्तु की मात्रा बराबर जेड माइनस वाई, अर्थात 18 माइनस 15 बटा 18 माइनस 20। तो यह आ जाएगा आपका 18 माइनस 15, यह हो जाएगा 3 बटा यह हो जाएगा माइनस 2। अल्टीमेटली आएगा मोड के कारण माइनस हट जाएगा, मोड को जब हटाएंगे तो अगर अंदर माइनस है तो वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:2। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए प्रश्न है, मान लीजिए प्रश्न है 18 रुपए प्रति किलोग्राम, 18 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के
चावल के चावल तथा तथा 27 रुपए तथा 27 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ये प्रश्न है, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा, यहां पर दो प्रकार का चावल दिया गया है। पहला जो चावल है इसका क्रय मूल्य है 18 रुपए प्रति किलोग्राम। जो दूसरा चावल है इसका क्रय मूल्य है 27 रुपए प्रति किलोग्राम। अब इसको किस अनुपात में हमें मिलाना है कि जो मिश्रण बनेगा चावल का उसका क्रय मूल्य 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखेंगे, यहां पर होगा फॉर्मूला हम जानते हैं, एक इकाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य इसको x मानेंगे, एक इकाई दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य इसे y मानेंगे, यहां लिखेंगे औसत या मिश्रण का क्रय मूल्य, औसत क्रय मूल्य या इसे हम लिख सकते हैं मिश्रण का क्रय मूल्य इसे हम z मान लेते हैं। तो यहां पर होगा z माइनस y और यहां होगा z माइनस x। तो ये होगा आपका पहली वस्तु की मात्रा अनुपात दूसरी वस्तु की मात्रा। तो therefore हम लिख सकते हैं पहले चावल की मात्रा पहला चावल की मात्रा अनुपात दूसरा चावल की मात्रा बराबर हम लिख सकते हैं मोड में z माइनस y बटा z माइनस x। ये मोड को क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका z माइनस y z है। यहां पर z की वैल्यू रहेगी 22 रुपए प्रति किलोग्राम पहली वस्तु का क्रय मूल्य है x बराबर 18 रुपए प्रति किलोग्राम एक इकाई। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य y बराबर होगा 27 रुपए प्रति किलोग्राम। यहां पर मिश्रण का क्रय मूल्य z बराबर होगा, z बराबर है 22 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यहां वैल्यू रखेंगे z माइनस y अर्थात
22 माइनस वाई अर्थात 27 बटा जेड माइनस एक्स 22 माइनस 18 बराबर 22 27 में से 22 जाएगा तो यह जाएगा आपका माइनस 5 बटा 22 में से 18 जाएगा यह जाएगा 4 मोड के कारण माइनस हट जाएगा तो यह जाएगा 5:4 अर्थात पहले चावल और दूसरे चावल को यदि हम 5:4 के अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा यहां लिख दीजिए 27 और यहां लिख दीजिए 18। आप समझते हैं 27 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के चावल तथा 18 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा एक इकाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य यह है हमें दिया गया है 27 रुपए एक्स बराबर 27 रुपए प्रति किलोग्राम। एक इकाई दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यह हमें दिया गया 18 रुपए प्रति किलोग्राम। मिश्रण का क्रय मूल्य आएगा 22 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यहां पर हो जाएगा जेड माइनस वाई और यहां जेड माइनस एक्स। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से जेड जेड माइनस 18 अर्थात 22 माइनस 18 बटा 22 माइनस 27 बराबर ये हो जाएगा आपका 22 यह जाएगा 4 यह जाएगा बटे में माइनस 5 मोड के कारण माइनस हट जाएगा तो यह जाएगा 4:5 अर्थात पहले चावल और दूसरे चावल को 4:5 के अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मान लीजिए प्रश्न है ₹45 प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के चाय तथा ₹27 प्रति किलोग्राम के चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य ₹35 प्रति किलोग्राम हो जाए। ध्यान दीजिएगा एक इकाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य यह हमें दिया गया है ₹45 प्रति किलोग्राम। एक इकाई दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है ₹27 प्रति किलोग्राम। इन दोनों को मिलाया जा रहा है तो मिश्रण का क्रय मूल्य आ रहा है ₹35 प्रति किलोग्राम। तो फॉर्मूला यही होगा। ध्यान दीजिएगा पहली चाय की मात्रा बटा दूसरी चाय की मात्रा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा जेड माइनस वाई अर्थात जेड माइनस वाई 35 माइनस 27 बटा 35 माइनस 45 में से 45 को माइनस करेंगे ये हो जाएगा माइनस 10 तो 2 × 8 2 × 5 = 10 तो यह आ रहा है बटा 4/-5 मोड को हटाएंगे तो प्लस माइनस चिन्ह प्लस में बदल जाएगा तो यह हो जाएगा 4:5। तो इसका आंसर आएगा कि पहला चाय पत्ती और दूसरे चाय पत्ती को 4:5 के अनुपात में मिलाएंगे तो यहां पर मिश्रण का क्रय मूल्य 35 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। मान लीजिए यही प्रश्न ऐसे आता कि 27 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के चाय तथा 45 रुपए प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य के चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 35 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो यहां पर एक इकाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य यह आपको दिया गया है 27 रुपए प्रति किलोग्राम और यहां दिया गया है एक इकाई दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यह दिया गया है 45 रुपए प्रति किलोग्राम। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा तो बराबर पहली चाय की मात्रा बटा दूसरी चाय की मात्रा जेड माइनस वाई बटा जेड माइनस एक्स यहां पर हो जाएगा जेड 35 माइनस 45 बटा 35 माइनस 27
35 माइनस 27, 35 माइनस 45 करेंगे माइनस 10 बटा ये होगा 8, तो ये हो जाएगा मोड, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, इसे हम लिख सकते हैं, मोड को हटाएंगे तो माइनस चिन्ह धन में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5:4, तो इसका आंसर आएगा 5:4। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 रुपए 15 पैसा अर्थात 5.15 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के चाय, या इसके जगह लिख सकते हैं हम शक्कर, 5.15 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के शक्कर तथा 4.80 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के शक्कर को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 5.08 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, एक इकाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य यह दिया गया है 5.15 रुपए प्रति किलोग्राम, एक इकाई दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यह हमें दिया गया है 4.80 रुपए प्रति किलोग्राम। तो मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाता है 5.08 रुपए प्रति किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिएगा। तो पहली शक्कर की मात्रा बटा दूसरी शक्कर की मात्रा बराबर z माइनस y अर्थात 5.08 माइनस 4.80 बटा z माइनस x, ये हो जाएगा 5.08 माइनस 5.15। यहां पर इसको हम माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 8 से 0 जाएगा तो यह आ जाएगा 8, 10 में से 8 गया यह आ जाएगा 2, यहां पर बचेगा 0 बटा 5.15 बड़ा है तो इससे इसको माइनस करेंगे, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 जाएगा तो यह आ जाएगा आपका 7, यहां बचेगा आपका 0, तो 0 में से 0 गया 0 दशमलव, ये 0, तो यहां पर दशमलव के बाद दो डिजिट है तो ये हटकर हो जाएगा आपका, यहां पर इससे इसको घटा रहे थे तो ये आएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा आपका 28 बटा माइनस 7, 7 चौक 28, तो ये आ जाएगा 4/-1, मोड को हटाएंगे तो माइनस चिन्ह हट जाएगा, तो यह आ जाएगा 4:1, अर्थात यहां पर पहले शक्कर तथा दूसरे शक्कर को मिलाए जाने की मात्रा होगी 4:1। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि पहला शक्कर और दूसरे प्रकार की शक्कर को यदि हम 4:1 के अनुपात में मिलाएंगे तो यहां मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाएगा 5.08। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रश्न को ऐसा देता 4.80 और यहां पर लिख देता 5.15। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, देखिएगा। अगला प्रश्न है 4.80 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के शक्कर तथा 5.15 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के शक्कर को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण क्रय मूल्य 5.08 हो जाए। पहला शक्कर है 4.80 रुपए प्रति किलोग्राम का, दूसरा है 5.15 रुपए प्रति किलोग्राम का, और मिश्रण का क्रय मूल्य 5.08, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहली शक्कर की मात्रा बटा दूसरी शक्कर की मात्रा बराबर z-y 5.08 माइनस 5.08 माइनस 5.15 बटा 5.08 माइनस 4.80
बराबर, यहां पर ये बड़ा है तो यहां ये माइनस में आएगा, ध्यान दीजिएगा। 15 में से 8 जाएगा तो यह जाएगा 7, यहां बचेगा 0.0 बटा, यहां पर इससे इसको माइनस करेंगे तो यह जाएगा आपका 8, यह आएगा आपका 2.0, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं माइनस 7/28, 7 × 7 = 28, मोड को हटाएंगे तो माइनस चिन्ह हट जाएगा तो यह आ जाएगा 1:4, अर्थात पहले प्रकार के शक्कर तथा दूसरे प्रकार के शक्कर को 1:4 के अनुपात में मिलाया जाएगा तो मिश्रण का क्रय मूल्य 5.08 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा।